बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आसिफ टेक प्रो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं एक न्यू एप्लीकेशन लेकर आया हूं जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोस को, यानी कि कह सकते हैं गैलरी में जितने भी आपका सेव डेटा है उसको यहां से रिमूव करके, हाइड करके आप उस एप्लीकेशन में छुपा सकेंगे। और वो एप्लीकेशन, उसका नाम है गैली वॉलेट। वो काफ़ी लोग ज़्यादा उसको बहुत ही तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा लोगों की वो फेवरेट एप्लीकेशन है जिसको मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि उसे आप कौन से डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह से अपने एंड्रॉयड डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। पहले भी मैं इस पर बहुत ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन लोगों का बहुत ज़्यादा यही क्वेश्चन होता है कि भाई साहब ये डाउनलोड कैसे करते हैं, लिंक हमें प्रोवाइड कर दें। अगर इस तरह का मसला आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, इजीली आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जो लीगल वे है वो मैं आपको बताऊँगा, आप उसे कौन से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकेंगे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आप इसे कैसे यूज़ कर सकेंगे। सबसे पहले आपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाना होगा। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपने सर्च बार पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने इतना टाइप करना होगा गैली वॉलेट। यहाँ पर आपने ये टाइप करने के बाद आपने पे क्लिक कर देना है और आपके सामने जो फर्स्ट वाली एप्लीकेशन है इसको आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इसके रिव्यूज रेटिंग काफी कमाल की हैं, डाउनलोडिंग 10 मिलियन प्लस हैं। अगर मजीद इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप वहां से भी इसके बारे में जान सकते हैं। अब बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं इस वीडियो की जानिब, तो यहां पर मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे आप यूज कर सकते हैं। जब आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे, फिलहाल के लिए मैं यहां पर डेटा को ऑफ कर देता हूँ ताकि किसी किस्म का हमें इशू देखने को ना मिले, यानी एड्स वगैरह का। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर जब भी आप इसको ओपन करेंगे ना, तो आपके सामने ये परमिशंस को मांगेगा। आपने तमाम की तमाम परमिशंस को अलाउ कर देना है और उसके बाद आपने एक पासवर्ड सेट कर लेना है। पासवर्ड सेट करने के बाद आपने ये करना होगा कि अपना पासवर्ड यहां पर सेट करने के बाद आपने ड्रा करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर फिर भी ये परमिशंस के हवाले से कुछ आपसे क्वेश्चन करे तो आपने इसको अलाउ कर देना है। यहां पर माई पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो यहां पर जितनी भी आप पिक्चर्स वगैरह यहां पर ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहां पर फोल्डर भी अलग से क्रिएट करके बनाकर यहां पर अपनी पिक्चर्स और वीडियोस का ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर वीडियोस का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहां से ऐड कर सकेंगे। इस तरीके से कार्ड्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को भी ऐड कर सकते हैं। अब याद रहे, जो भी यहां पर ऐड करें वो गैलरी से रिमूव होती जाएंगी, यानी कि गैलरी से हाइड होकर यहां पर सेफ होती रहेंगी, ठीक है। अब फर्ज करें कि आपसे गलती से अगर कोई चीज़ यहाँ से डिलीट हो जाती है, तो यहाँ पर टॉप पर 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर आपने क्लिक करना होता है। उसके बाद रिसाइकल बिन वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से आप क्लिक करके उस चीज़ को यहाँ से रिस्टोर करके, यानी कि उसको रिकवर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्लाउड सोनी का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या। यहाँ प्रीमियम वर्जन के भी कुछ फ्यूचर आपको दिए गए हैं, ये भी आपको बताएंगे कि क्या उन कौन सी चीज़ें प्रीमियम खरीदने से आपको मिल सकती हैं। फिलहाल के लिए आपने फ्री को यूज़ करना आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डाउनलोड पर चले जाएँ तो यहाँ से भी आप अपनी प्राइवेट ब्राउजिंग भी सकते हैं। उसके अलावा यहां पर आप कह सकते हैं कि ये चीजें करके यहां से आप डाउनलोडिंग इजीली यहां पर डायरेक्टली कर सकते हैं। उसके बाद डिस्कवर वाले ऑप्शन पे चले जाएं तो यहां पर आपको काफी ज्यादा फीचर मिलेंगे। यहां पर रिसाइकल मास्टर भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन दी गई है यहां से अलग से इनको यूज कर सकते हैं, यानी कि इनको डाउनलोड करके अपने एंड्रॉइड डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद प्राइवेट ब्राउजिंग यहां पर आपको ऑप्शन दिया गया, उसके बाद यहां पर आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, क्या कुछ दिखा गया है, इनको आप इनेबल करके यूज कर सकते हैं, थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो भी है। उसके बाद मी वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहां पर आपने एक अपना जीमेल जो होता है उसको लाजमी सेट करके रख लेना है। उसको यहां क्लाउड वाले सोनी को यहां पर आपने कर लेना है इनेबल, ताकि जितनी भी पिक्चर्स वीडियोस आप यहां पर सेव करें उसका बैकअप ऑटोमेटिकली सेव होता रहे। अगर आपसे कोई भी चीज डिलीट हो जाती है या फिर आपका एप्लीकेशन के डिलीट हो जाती है, तो इसकी मदद से आप इजिली इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर पाएंगे। यहां पर आप डार्क मोड इनेबल कर सकते हैं, लेकिन यह प्रीमियम वर्जन के लिए है, आप फ्री में यूज नहीं कर सकते। थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं और ये तमाम चीजें जो मैं कह सकता हूं नीचे जो दी गई हैं, ये आप प्रीमियम वर्जन के लिए हैं। सेटिंग में जाएंगे तो यहां पर क्लाउड सोनी का भी आपको ऑप्शन मिलेगा, यहां पर शेयर आप वॉलेट कर सकते हैं। रिसाइकल बिन का ऑप्शन आपका इनेबल ही है, यहां से आप इनेबल कर सकते हैं। अब क्लोज शेक ये वगैरह, ये बाकी फिंगरप्रिंट वगैरह ये आपको दिए गए हैं प्रीमियम वर्जन के लिए। उसके बाद यहां पर पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अनलॉक विद पैटर्न, यहां पर आप पैटर्न तभी सेट करके पाएंगे जब इस एप्लीकेशन को आप खरीद कर पाएंगे। अब यहां पर फोल्डर कोड भी लाभ लगा सकते हैं अलग से। अब यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग अक्सर लोग रिकॉर्ड करते हैं स्क्रीन, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती, उसकी वजह यही है क्योंकि उनका ये जो ऑप्शन है ना, ये डिसेबल हुआ होता है, इसको आपने इनेबल करके यूज़ कर सकते हैं। अब अनइंस्टॉल प्रोटेक्शन वाला जो ऑप्शन है, इसको अगर आप इनेबल करेंगे तो इस एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे जब तक यहाँ से आप पर इसको डिसेबल करके ना कर पाएं। अब अनहाइड ऑल यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर तमाम की तमाम
तमाम डेटा को आप हाइड कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली गैलरी में आपकी चला जाएगा। आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एसडी कार्ड से अगर अनहाइड ऑल फाइल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या डिवाइस टू एसडी में करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, या फाइल इन एसडी कार्ड में करना चाहते हैं तो वो भी आपको दिया गया। उसके नीचे आपको प्राइवेट ब्राउजिंग दी गई है, और बाकी यहाँ पर अगर आपसे डेटा वगैरह लॉस हो जाता है तो उसके भी हवाले से भी यहाँ दिया गया है। अगर लास्ट पर अबाउट के ऊपर आपने देखा होगा तो यहाँ पर बैकअप और रिस्टोर का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जब भी आप अपना डेटा सेव करते हैं तो उसका आपने बैकअप लाजमी ले लेना है, ताकि आपकी एप्लीकेशन अगर डिलीट हो जाती है तो रिस्टोर आप इजीली उसको कर पाएं। सो गाइस, इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने एंड्रॉयड डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं। अगर इस हवाले से कोई सा भी आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल आसिफ टेक प्रो को सब्सक्राइब कर दें, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मुझे दें इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।